हेलो एवरीवन, वीडियो के थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। किस लिए? तो वोकैबलरी के लिए। एसएससी के एग्ज़ाम्स में जो वोकैबलरी पूछी जाती है उसकी एक मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स बताने वाला हूँ। वहाँ से अभी जो एसएससी सीएचएसएल 2020 में एग्ज़ाम हुए थे उसमें से साइनोनिम्स और एंटोनिम्स लगभग 80% साइनोनिम्स एंटोनिम्स उसी पीडीएफ से पूछे गए थे। और एसएससी के किसी भी एग्जाम में आप उठा के देख ले वो पूछे जाते। वो सोर्स है क्या, वो पीडीएफ कहाँ है, वो सोर्स है क्या, किस प्रकार का सोर्स है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं एसएससी सीएचएसएल का टोटल शिफ्ट 36 शिफ्ट में हुआ था और एक शिफ्ट में दो दो साइनोनिम्स पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल साइनोनिम्स 72, टोटल एंटोनिम्स 72। इतने अप्रॉक्स में वोकैबलरी होंगे, इस साइनोनिम्स होंगे और ये एंटोनिम्स होंगे। तो इसके सोर्स जो है वो कहाँ से मिलेगा आप देख लें। सोर्स जानने से पहले ये आप देख लें, जैसे कि ये पूछा गया था सेलियंट, ये इस पीडीएफ में मौजूद है सेलियंट। इस प्रकार से बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, लेकिन वो सोर्स है क्या? वो सोर्स है द हिंदू। वो सोर्स है जो वो द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी, एडिटोरियल वोकैबलरी जो कि एडिटोरियल में यूज किया जाता है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है वोकैब, और उसी से अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अक्सर क्या, ये मोस्टली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सभी पूछे जा रहे होंगे। मैं आगे भी स्क्रीनशॉट अभी आपको दिखा रहा हूँ उस पीडीएफ का। उस पीडीएफ का नाम क्या है मैं ये भी बता रहा हूँ, कहाँ से आपको मिल जाएगा ये भी आपको बता दे रहा हूँ। तो ये जितने सारे वोकैब है, वोकैबलरी जो कि द हिंदू एक काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है, उसी से उसमें जो एडिटोरियल पब्लिश किया जाता है उसी के वर्ड मीनिंग्स डेली अपलोड किया जाता है, और वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके यदि डेली अगर पढ़ते हैं तो आपके एसएससी के किसी भी एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे एमटीएस का भी जो एग्जाम होने वाला हो, सीएचएसएल, सीपीओ या फिर स्टेनोग्राफर, उसमें ये सब वोकैबलरी पूछे जाता है। डेली पढ़ते रहेंगे तो आपको आपको एक भी वोकैबलरी ऐसा नहीं होगा वोकैब जो कि आपसे छूटेगा एग्जाम में। तो आइए और स्क्रीनशॉट्स देख लेते हैं। ये 10 नंबर है, जैसे कि ये वर्ड, और ये इस देखिए इस पीडीएफ में ये वर्ड अवेलेबल है। नेक्स्ट है ये मैंडेटरी है ये वर्ड, और ये भी वर्ड इस पीडीएफ में मैंडेटरी है। मैंने ये स्क्रीनशॉट्स कलेक्ट करके आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, बिकॉज ये स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि ये जितने सारे वोकैब हैं वो इसमें और इसमें अवेलेबल है, और बहुत सारे वोकैब हैं। देखिए इस प्रोब जो एसएससी सीएचएसएल, ये सीएचएसएल 2020 में पूछा गया है, जो अभी एग्जाम हुआ था 2021 में, कुछ एग्जाम हुआ था अप्रैल में और कुछ एग्जाम बाकी के अगस्त में हुआ था। तो ये इन्हीं एग्जाम में पूछा गया वर्ड है। देखिए ये प्रोब यहाँ भी मौजूद है, अपेरेंटली ये अपेरेंटली वर्ड यहाँ भी अवेलेबल है इस पीडीएफ में। अगर इस पीडीएफ को जिन्होंने पढ़ा होगा उनका वोकैबलरी में तो कहीं से भी कोई गलती नहीं हुआ होगा। तो ये देखिए नेक्स्ट वर्ड है डर्थ, यहाँ इस पीडीएफ में भी अवेलेबल है। कॉम्प्लाई, इस प्रकार से बहुत सारे, मैं सबका स्क्रीनशॉट तो नहीं देख सकता हूँ, लेकिन 90% वोकैबलरी इस पीडीएफ में मौजूद है। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में, जैसे कि एसएससी वाले एग्जाम में, आपको यहाँ इस पीडीएफ से मिल जाएंगे, और ये पीडीएफ हमेशा इंक्रीज हो रही है। तो इसका सोर्स यही है, द हिंदू स्पेशल कलेक्शन ऑफ 5000 वर्ड्स, द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी 5, इसमें लगभग 5000+ द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी है। इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा जनवरी से जून तक 2021। इसका न्यू वर्जन जो अभी आने वाला है वो होगा जनवरी से अगस्त तक होगा। तो इसको आने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन आपको इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको द ऑल वर्ड्स टेकन फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल, जितने भी वर्ड हैं वो द हिंदू एडिटोरियल से ही लिए गए हैं। वर्ड्स जिसके कि 3-4 साइनोनिम्स होता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी इसमें इंक्लूड होते हैं जो एडिटोरियल में पूछा जाता है, और वर्ड डिफिनेशन, जैसे कि वर्ड डिफिनेशन में मोस्टली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ दिया, जैसे कि डिकेड वर्ड है, इसका साइनोनिम्स नहीं, इसका क्या पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ दिया जाता है। ये भी ये एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ स्टेनो एमटीएस सीडीएस इंडिया बैंकिंग एयरफोर्स ने भी। अभी जो इसमें एक एग्जाम जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे सीएचएसएल, अभी अभी जो कंडक्ट कराया गया था उसका आंसर किया है, तो उसमें आप देख ले इतने सारे वोकैबलरी इसमें की पूछे जा चुके हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी समझ गए होंगे। इंग्लिश के सेक्शन के लिए इंग्लिश में वोकैबलरी एक वाइटल रोल प्ले करता है वोकैबलरी, क्योंकि वोकैबलरी में साइनोनिम्स पूछा जाता है, एंटोनिम पूछा जाता है, वन वर्ड पूछा जाता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी पूछे जाते हैं, और कुछ जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, फिल इन द ब्लैंक्स
वो भी वोकैबलरी बेस्ड होता है, जैसे कि क्लोज टेस्ट होता है, इम्प्रूवमेंट वगैरह में भी कुछ एक दो वोकैबलरी, फिर से मिस स्पेल्ड वर्ड वो भी एक प्रकार से वोकैबलरी है। ये सभी वोकैबलरी का ही सेक्शन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस PDF को डाउनलोड करने के लिए हाँ, वेबसाइट www.editorialvocabs.com, इस पे जाके आप इसे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। इसका प्राइस तो है 49 रुपीज़, और 49 रुपीज़ इसका प्राइस है। इसे आप परचेज कर सकते हैं। यदि आप इसको फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, फ्री में, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8651715664 इस पे आप SMS कर सकते हैं। ये एडिटोरियल वोकैब का ही व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप मैसेज करके आप इसे ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। लेकिन चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर इसे परचेज करें। 49 रुपीज़ इसका ओनली प्राइस है, और काफ़ी महत्वपूर्ण PDF है। अभी CHSL का एग्जाम हुआ है, CGL का भी एग्जाम हो चुका है, उसका भी आंसर किया आएगा। मैं उसमें भी वोकैबलरी आपको दिखाऊंगा कि उसमें इसी PDF से कितने वोकैबलरी पूछा जा चुका है, जो आंसर की इसका रिलीज किया जाएगा लगभग 10 दिनों के बाद। 10 दिनों के बाद मैं ऐसा वीडियो एक बनाने वाला हूँ जिसमें कि SSC CGL में जो वोकैबलरी पूछा गया है, सैनोनिम्स एंटोनिम्स, वो इस PDF से कितना मैच किया है, वो इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। तो हमारे वेबसाइट पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसे परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डेफिनेटली डलवा देता हूँ, वहाँ से आप जाके इसे डाउनलोड और परचेज कर सकते हैं। तो यही मेन मकसद था इस वीडियो को बनाने के लिए। यदि आपको ये अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, और हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1, यहाँ पे कि डेली PDF अपलोड किया जाता है द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी का, साइनोनिम्स और हिंदी मीनिंग के साथ भी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। सो यही इस वीडियो में बताना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।